अगला जो है ये चारों जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी बुक का है, और एनसीईआरटी बुक में इसको हम लोग डबल टाइप से कर सकते हैं। एक तो पहला मेथड है कि हम लोग रेटिन्स की एक एक करके एंगल पुट करो, उसके बाद फिर कुछ करो। उसके दूसरा जो मेथड है, चूँकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में देख लो एनसीईआरटी बुक का ही टोटल, लेकिन टोटल जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला बेस पे जो भी हम लोग पीछे लिखे थे फॉर्मूला इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक। तो जरूरी है आप लोग को दोनों तरीका समझना। सबसे पहला तरीका तो आपको पता है कि 10-30 डिग्री का वैल्यू पुट करो, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा रहने के कारण आपका हो सकता है कि टाइम लिमिट ना बचे, ठीक। टाइम ना बचे क्योंकि मैथ्स पे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है हम लोगों को। चलिए देखते हैं इस टाइप का एक फॉर्मूला भी तुरंत सीखे थे क्या, कि टेन टू थीटा सीखे थे ना, टेन टू थीटा इज इक्वल्स टू सॉरी साइन टू थीटा था ना, साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला था टू टेन थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला था शायद। सेम वही फॉर्मूला पे अभी देखो, टू टेन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, टू वन प्लस टेन स्क्वायर स्क्वायर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, दोनों जगह थीटा का वैल्यू सेम रहना चाहिए। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या था, साइन टू थीटा, तो साइन टू इंटू थीटा का मान कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, तो डायरेक्ट पुट करते हैं साइन कितना आ गया 60 डिग्री, इसका आंसर कितना आ गया साइन 60 डिग्री। अनदर वे है इसका सॉल्व करने का मेथड, ये तो मेथड वन है और मेथड टू है इसका सॉल्व करने का, जो मेथड टू है तो क्या करेंगे, मेथड टू में टू इंटू टेन 30 डिग्री का वैल्यू वन बाय रूट थ्री बाय वन प्लस टेन 30 डिग्री का वैल्यू वन बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो अब आगे है टू बाय रूट थ्री बाय इसी को वन प्लस वन बाय थ्री इज इक्वल्स टू टू बाय रूट थ्री इंटू इसके नीचे कुछ नहीं तो वन, तो क्या होगा पलट जाएगा ये, तो थ्री वन फोर बाय थ्री, फोर बाय थ्री, फोर बाय थ्री यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पे क्या लिखोगे थ्री बाय फोर, टू टू जा फोर, तो आगे कितना थ्री बाय थ्री रूट टू रूट थ्री मल्टीप्लाई के रूट थ्री से ऊपर नीचे, रूट थ्री खत्म, रूट थ्री को थ्री से, थ्री रूट थ्री बाय कितना आगे टू इंटू थ्री, ये दोनों खत्म। तो अब ऑप्शन में ढूंढो कि रूट थ्री बाय टू कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है आपका पहला साइन 60 है, कॉस 60 है, टेन 60 है और साइन 30 डिग्री है, तो वहां पे ऑप्शन में मात्र एक ऑप्शन ऐसा है जिसका के वैल्यू रूट थ्री बाय टू होता है, वो है साइन 60। तो आप इसी चीज को इतना टाइम लग गया आपको करने में, और अगर आप फॉर्मूला वाइज चल रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा कितना आप देखे रहे कितना टाइम लगा, अगर इसी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाए वन माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, वन प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये कौन से फॉर्मूला पे बेस्ड है पहले ये देखिए। तो ये जो आपका फॉर्मूला किस फॉर्मूला पे बेस्ड है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला आप लोग लिखे थे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पे था कॉस टू थीटा का, तो कॉस टू इंटू थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, तो आ गया तो यानी कॉस 45 का मान 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है जीरो, ये आ गया अनदर, ये तो मेथड वन था डायरेक्ट फॉर्मूला से। और सेकेंड मेथड क्या, मेथड टू में हम लोग कर सकते डायरेक्ट क्या, 10 45 का मान कितना 1, 1 का होल स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 जीरो, टोटल टर्म ये जीरो आ गया तो जीरो ही हटाओ। चलो इसको अब ये फॉर्मूला जो है इसको जो है आपको ऑप्शन से करना है, अगर ऐसे कर तो डायरेक्ट फॉर्मूला से करोगे तो आपको एक पैटर्न की सर्टेन एक आंसर आएगा। साइन टू ए का फॉर्मूला क्या था, हम लोग लिखे थे साइन टू ए का फॉर्मूला, साइन टू एक्स करके लिखे थे ऐसे, लेकिन यहाँ ए है तो ए लिखते हैं। साइन टू ए का फॉर्मूला क्या था, टू साइन ए इंटू कॉस ए, ये था फॉर्मूला। तो साइन टू ए को लिखते हैं टू साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है टू साइन ए, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं था, टू साइन ए क्या हो गया खत्म, तो कॉस ए इज इक्वल्स टू कितने के बराबर, वन के बराबर, तो कॉस में वन कितने डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, तो कॉस इक्विवेलेंट है, तो ए का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया जीरो के बराबर आ गया। फिर उसी टाइप से अगर इसका देखते हैं ये कौन से फॉर्मूला पे बेस्ड है, देखिए ये कौन से फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो टू टेन थीटा बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिखते थे टेन टू थीटा, ये नहीं लिखा जाता था, तो टेन टू थीटा, टेन टू इंटू थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो 10 2 इंटू 30 कितना आ गया 10 60 डिग्री, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया यहाँ पे 10 60 डिग्री, समझे बच्चों। तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ऐसे जितना भी टोटल क्वेश्चन था आपके टोटल, ये टोटल क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 4 है, ठीक।
और देख ही रहे क्या क्वेश्चन क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो फिर तो दिक्कत है। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन अगर ज्यादा मात्रा में पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो बोलते हैं कि हम लोग आउट ऑफ सिलेबस है, कैसे पॉसिबल है क्या कि एक घंटा में एटलीस्ट कितना कम टाइम में ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता, आपके बुक में दिया हो और आपके आप जो बुक पढ़ते हो एनसीईआरटी उसका कंक्लूजन निकाल के पढ़ोगे तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगा। जो टाइम दिया जाता है वो परफेक्ट रहता है, समझे। चलिए।